Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Hajin Zikriya University, Multan. अच्छा गाइस, आज मैं आप लोगों को मैंने एग्जांपल नंबर 3.1 का हिंट दे दिया था, और अब मैं वो आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन पर एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी कि हमारे पास ये एग्जांपल जो है इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी। तो इसकी स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है, राइट अ प्रोग्राम ऑफ अ प्रॉब्लम। अब एक प्रॉब्लम है, उसका हमने प्रोग्राम लिखा है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एक सिलेंडर है, उसका डायमीटर डी, उसकी इनिशियल हाइट इतनी, और उसको हमने भरा है और पर मिनट में 2 लीटर भरता है वो। अच्छा, और उसकी हाइट हमने फाइंड करनी है। वो कहता है हाइट फाइंड करके बताओ हमें आफ्टर 5 मिनट्स उसकी हाइट कितनी होगी। फिल्ड वाटर इनिशियल हाइट भी गिवन है आपके पास, और आपने अब ये जो ये हाइट, और फिर और मज़े की बात, आपको उन्होंने हाइट निकालने का फार्मूला भी दे दिया। तो ये आपके पास हाइट निकालने का फार्मूला है ये, और इनिशियल हाइट आपके पास ये है। और जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना वहाँ पर, तो मैंने उधर बताना भूल गई थी कि टोटल हाइट कैसे निकालनी है आपने। इनिशियल हाइट प्लस ये वाली हाइट, इन हाइट और इस हाइट को दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल हाइट आपके पास निकल आएगी। तो वहाँ मैं बताना भूल गई थी, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ, इसको मैं प्रोग्राम आप लोगों को लिख के दिखाती हूँ। तो प्रोग्राम हमारे पास है, प्रोग्राम क्या था, फिल ऐड तब, ठीक है। अच्छा, और इम्प्लिसिट नन, इम्प्लिसिट नन, ओके इम्प्लिसिट नन हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हाँ, पाई अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो हम इधर रियल पैरामीटर पैरामीटर, चलो वादिवा, और डबल कॉलन, और फिर यहाँ हम लगाएंगे अपनी तरफ से वेरिएबल। आप पाई की जगह कुछ और भी लिख सकते हो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ऐसा लिखिएगा कि देख के ही पता चल जाएगा कि ये पाई की वैल्यू इसके अंदर होगी। तो 13 पॉइंट क्या थी हमारे पास, मैं देखती हूँ, ये है 13.14 15 9 2 6, ये वैल्यू है। अच्छा चलो, ये भी हो गया। अच्छा, रियल में सारे वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाओ। अच्छा चलो, एक वेरिएबल है एच, दूसरा वेरिएबल है इनिशियल हाइट, ओके इनिशियल हाइट है आपके पास, ये गिवन है। अच्छा, और फिर आपके पास टाइम एंड टाइम अंदर है, और वाटर फ्लो रेट आपके पास है, और डी डायमीटर आपने पूछना है, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है। तो आज प्रिंट की स्टेटमेंट जल्दी देते हैं, प्रिंट स्टडी कॉमा, और यहाँ पे हम इसे पूछते हैं, क्या पूछें इससे पूछते हैं, एंटर करो इनिशियल हाइट, सबसे पहले से इनिशियल हाइट पूछते हैं, एंटर इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट, ठीक है, इनिशियल हाइट इससे पूछते हैं। तो ये देखते हैं क्या एंटर करता है, रीड स्टैटिक कॉमा, इनिशियल हाइट में हमने एंटर करना है आई एंड आई एच, इनिशियल हाइट, ठीक है। चलो अच्छा, फिर हमें प्रिंट स्टैटिक कॉमा, और ये हमारे पास आ जाएगा एंटर, क्या एंटर करना है हमने, क्या एंटर करवाना है, डायमीटर एंटर करवाते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो पर मिनट। तो मतलब चलो पहले टाइम मांग लेते हैं, नहीं टाइम अभी नहीं मांगते हम, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो मांगते हैं, मतलब एफ मांगते हैं, दी वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर मिनट, ठीक है। चलो ओके, और इसे रीड करके कहाँ पे सेव करनी है वाली, एफ में सेव करनी है, ओके। अच्छा, फिर हमारे पास कौन है, डायमीटर, वॉल्यूम ऑफ डायमीटर मांगते हैं अब इसे, प्रिंट यूजर से मांगते हैं, भाई एंटर कर दो, एंटर आपके टब का जो वॉल्यूम डायमीटर है वो बताता है मीटर। चलो, ये भी मांग लिया हमने यूजर से। अच्छा, और ये रीड करके हमने रख दिया, रीड बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम ब्यूटी के लिए, अच्छा रुको, इसे तो मैं एक और तो काम करना भूल गई, इसको टैप करके इधर आगे करो,
अभी भी कोई एरर तो नहीं आएगा, लेकिन बस मैं थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए ये काम करती हूँ, आपका कोई एरर नहीं आएगा इसे। ये थोड़ा सा प्रोग्राम दिखने में खूबसूरत लगे इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे काम करती हूँ, वरना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका। डायमीटर डी, अच्छा डी आगे, एफ आगे, इनिशियल हाइट आगे, टाइम प्रिंट के कितने मिनट्स में आप ये काम कर रहे हो, तो स्टैटिक कॉमा और इसे मांगो, एंटर कर दो भाई, एंटर टाइम पर शो टाइम, चलो जितना भी है चलो। अच्छा चलो ये हो गया, और रीड कर दो इसे, कहाँ से सेव करना है हमने, टाइम की में। ओके चलो अब सारा कुछ मांग लिया, अब मेन फार्मूला लिखो अपना, एच इज इक्वल टू इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट प्लस इनिशियल हाइट प्लस आपको वो जो फार्मूला मैंने लिखा था, ये फार्मूला मैं पूरा का पूरा लिखूँगी, ये इसे लिखती हूँ ब्रैकेट में, 4.0 मल्टीप्लाइड बाय एफ मल्टीप्लाइड बाय टी, और ये ब्रैकेट करते हैं बंद, डिवाइडेड बाय, और फिर है हमारा पाई, पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई के यही स्पेलिंग है, हाँ ठीक है, डी मल्टीप्लाइड बाय डी, तो ब्रैकेट हो गई बंद। और आज भाई अब आपने इतने सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया है, अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट अपना डिपेंडेंट वेरिएबल हाइट, हाइट आफ्टर, हाइट आफ्टर आफ्टर टाइम इतने मिनट्स, आफ्टर इतने मिनट्स 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 आफ्टर इतने मिनट्स इज, यहाँ हम लगा देंगे एच। चलो ठीक है, डन हो गया, अब हम एंड करते हैं प्रोग्राम एंड, और ऊपर से यहाँ से आके इसे कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी और नीचे आ जाओ भाई पेस्ट, तो अब इसे सेव करते हैं, अल्लाह ताला से लिखने में कोई मिस्टेक ना हो, बाकी सब कुछ खैर है। अच्छा जी गाने के बाद जो, अच्छा सेफ हो गया, अच्छा फिर हाँ बिल्ड और कंपाइल सेट वगैरह करना है, तो इसे ऐड करते हैं, अल्लाह ने भगवान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो वार्निंग, अब हम इसे बिल्ड करते हैं और इंशाल्लाह चलो वादी वाह। और अब इसकी ब्लैक स्क्रीन लेकर आते हैं, आपसे वही चीज़ें मांगेगा जो आप आपको किताब में जो गिवन है वो तो करो, और जो किताब में गिवन नहीं है वो आप अपनी तरफ से गिवन दें, जैसे इनिशियल हाइट आपको गिवन है 2.2, अच्छा वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट आपको पता है कितना है, वॉल्यूम फ्लो रेट पर मीटर 2 लीटर था, 2 लीटर था, अच्छा और डायमीटर भी सपोज मैं रख देती हूँ, डायमीटर 2 रख देती हूँ, अच्छा टाइम कितने हैं, अब आपको कितने मिनट बाद आपने हाइट चेक करनी है, तो 5 मिनट बाद मैंने चेक करनी है, तो वो बता रहा है आपकी आपकी हाइट 5 मिनट बाद इतनी बनेगी, आपका हाइट टोटल हाइट आपकी इतनी बनेगी, 0.5 ये इनिशियल हाइट थी, आपने वॉल्यूम फ्लोर रेट आपने बता दिया, वो सवाल में गिवन था कि आपका जो रेट है 2 लीटर पर मिनट, हर मिनट में हर मिनट में 2 लीटर है, तो वो भी अब मैंने 2 लीटर भी बता दिया। अच्छा फिर इसके बाद डायमीटर अपनी तरफ से मैंने रख लिया, और टाइम उसने कैलकुलेट करने के लिए कहा था कि 5 मिनट बाद आपकी हाइट कितनी होगी, तो 5 मिनट ने एंटर किया और ये आपकी हाइट निकल आई है। ठीक है बच्चों, चलो मैं अब मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। अच्छा एक और बात, आप लोगों को ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया, इसके अंदर सिर्फ यही इकलौती आप लोगों की थी, और आप लोग इसे खास तौर पे बैठ के पढ़िएगा, इसके अंदर ना इम्प्लिसिट नन बता रहे हैं कि इम्प्लिसिट नन हम क्यों लगाते हैं, इसके अंदर रियल पैरामीटर लिखने का तरीका बताया गया है, और इंटीजर और रियल में लिखने में क्या एरर्स हम लोग इंसान ह्यूमन एरर्स होती हैं, तो वो सारा कुछ आप लोगों को बताया गया है, तो उसको बैठ के खुद आप स्टडी कीजिएगा और इसकी एक्सरसाइज खास तौर पर कीजिएगा, इसकी एक्सरसाइज का हिंट मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को दे दिया है, तो मिलती हूँ इंशाल्लाह मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।